नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग देख रहे हैं रेलअप यूट्यूब चैनल और मैं सिमरनजीत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने रेल रिपोर्टिंग चैनल रेलअप पे। और इस समय मैं रात के 8:30 बजे लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे, मेरे पीछे आप घड़ी देख सकते हैं, टाइम आपको दिख रहा होगा 8:33 और अभी 30 से 40 मिनट रहे हैं पैसेंजर आने में, तो उसका वीडियो हम आज करेंगे। देखते हैं कितनी भीड़ होती है ट्रेन में और कितने यात्री सफ़र करते हैं, कितने गोला वाले यात्री हैं। धीरे धीरे भीड़ हो रही है स्टेशन पे, तो उसकी एक छोटी सी ब्लॉगिंग आज एक नज़र डालेंगे हम लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ये है लखीमपुर रेलवे स्टेशन का 8:30 बजे, 8:34 हो गया आप का हाल। अभी पैसेंजर आने में 30 से 40 मिनट हैं अभी, और इस समय भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है लखीमपुर रेलवे स्टेशन पे। गोला और मैलानी जाने वाले यात्री बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ रुखसार अहमद भाई, वो भी मौजूद हैं, बहलिया बुजुर्ग से। ये डेली अप डाउन करते हैं हमारे जो रात में पैसेंजर आती है 55066, तो इनसे हम कुछ बातें जानेंगे कि मतलब कि क्या उम्मीदें थी इनको मैलानी उद्घाटन से और ट्रेनों का कितने टाइम से इनका इंतज़ार था। सर आप ये बताइए कि मतलब कि आपको कितने टाइम का इंतज़ार था इस ट्रेन चलने का? मतलब 3.5 साल से मैं वेटिंग कर रहा हूँ ट्रेन की, और हमें मालूम था कि जो है ट्रेन चालू होगी तो काफ़ी ट्रेनें बढ़ जाएंगी, लेकिन हम इस वक्त तो 2 ही ट्रेनें चल रही हैं पैसेंजर में। आपको कितनी ट्रेन की उम्मीद थी कि मतलब कितनी ट्रेनें एटलीस्ट इस रूट पे, मैलानी सीतापुर जो रूट है जी, लगभग इस पे कितनी ट्रेनें मिलनी चाहिए थी, मतलब किस टाइम पे कितनी ट्रेनें बढ़नी चाहिए? देखिए शाम का टाइम थोड़ा जो है 9:30 जो है समथिंग, हम लोग 10 बजे घर पहुँचते हैं भलिया बुजुर्ग में, तो थोड़ा टाइम जो इसका 8 बजे समथिंग होता, 7:30 के समथिंग होता शाम का, और उधर सुबह में कोई ट्रेन ही नहीं है। एक तो सुबह जो है 5 बजे का टाइम है, वहाँ हम लोग कैसे अप डाउन कर सकते हैं? आप करते तो, क्या वैसे यहाँ? यहाँ एसी फ्रिज का मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वर्क करते हैं, लखीमपुर में जॉब करते हैं, तो इनको काफ़ी अप डाउन करने में दिक्कत होती है। अगर NER का कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी बड़ा अधिकारी हमारा ये वीडियो देख रहा है, वो प्लीज़ इस पर ध्यान दे और ट्रेन जल्द से जल्द बढ़ाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि मैलानी इनॉग्रेशन से ट्रेनें बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और एक मैंने सुबह वाली ट्रेन का भी वीडियो किया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहद भीड़ थी, उसका भी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ वक्त आपने दिया, कीमती वक्त आपका अपना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विंस लोगो लगे आज, दूसरा लोगो भी गोंडा शेड का है, ट्विंस लोगो के साथ आज गाड़ी आई है। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, पचपन जीरो छाछठ। रश आप देख सकते हैं कि कितना रश है ट्रेन के आते ही, और काफ़ी जनता, देखिए काफ़ी जनता यहाँ पे उतर आती है। लगभग ट्रेन 60-70% मैं कहता हूँ लखीमपुर की जनता इसमें ट्रैवल करती है। और ये चीज़ मैं ये ब्लॉग इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव है कि रेलवे के जितने बड़े अधिकारी लोग हैं उनको ये मैसेज पहुंचाना कि आप प्लीज़ इस रूट पे एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके ट्रेन्स बढ़ाएं, क्योंकि पब्लिक को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लखीमपुर के आगे अगर गोला की दिशा की बात करी जाए तो सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि बंदा उस पर ट्रैवल कर नहीं सकता है। अगर कोई मरीज़ है तो उसको उस सड़क पे ले जाना किसी खतरे से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली 5506 डिपार्टिंग फ्रॉम लखीमपुर,
सुखद और आरामदायक सफ़र और सस्ता सफ़र भारतीय रेलवे का। और सुरक्षा के मद्देनज़र आरपीएफ भी अपनी ड्यूटी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ऐसे देश के जवानों को मेरा सलाम। Enemies ahead. Enemies ahead. कुछ शॉट्स मैंने लिए और ताकि आपको दिखा सकूं कि कितने लखीमपुर की जनता इस ट्रेन से आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये ब्लॉगिंग और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भारतीय रेल NER तक ये बात पहुँचे कि ट्रेनों की कितनी सख्त ज़रूरत है इस रूट पर। आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यूज बढ़ाइए इसके, क्योंकि रेलवे के लोग इसको देखेंगे तभी इस रूट का कुछ कल्याण हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को देखेंगे तभी, क्योंकि कितने लोग भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ते हैं। लाइक कर दीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में।